टॉपिक वो ये डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ बैंक और रोल ऑफ बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीन टॉपिक वही है। हम इसमें चार टॉपिक हमारे मेन है, टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक जिसमें आएगा हमारा पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ठीक है। इसमें हमारे बैंक आएंगे, टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक में डेवलपमेंट आएगा, कमर्शियल बैंक कैसे डेवलप हो रहा है, नेशनलाइजेशन आएगा बैंक का, कमर्शियल बैंक का, उसके बाद अचीवमेंट आएंगे नेशनलाइजेशन के, फेलियर ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कमर्शियल बैंक, प्रॉब्लम्स आएंगी उसके, उसके बाद उसके बाद सजेशन आएंगे ना चैप्टर की। ये टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। एक है हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक मींस जिसका ओवरऑल कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, इसमें भी दो है, नेशनलाइज बैंक एसबीआई एसोसिएट्स। सेकेंड है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसमें हमारा जो ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं प्राइवेट सेक्टर के होते हैं। फॉरेन बैंक ये फॉरेन ट्रांजेक्शन करते हैं, फॉरेन के बिजनेस को चलाता है, लेकिन ये डील करते हैं हमारी इंडिया की करेंसी ओनली। रीजनल एंड रूरल बैंक, रीजनल एंड रूरल बैंक क्या करते हैं, जो नाबार्ड है जैसे, ये बैंक है किसके लिए, इंडस्ट्रियल एंड रूरल एरिया के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी सी लेटर ऑन। नाउ वी हैव अ पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोज बैंक वेयर द मेजोरिटी स्टेक इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Government of India has a ownership and control over these banks. The era of public sector bank was started with the nationalization of RBI in 1948. In 1991, the era of LPG was started. RBI has started granting permission for opening more private sector bank. It means, क्या हुआ था, जो public sector bank कौन होते हैं, जिनका majority of stake किसके पास होता है, जिनके सारे शेयर होल्डर सब कुछ किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देयर इज अ नो रूल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ ओनरशिप ऑफ कंट्रोल ओवर दीज बैंक। हमारे पास गवर्नमेंट के पास इनके पास राइट होता है किसको, इनको कंट्रोल करने का, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो इतना थोड़ा ध्यान नहीं दे पाती इन सब चीजों पर, पहले लोगों का मानना ये था, ठीक है। लेकिन जब आरबीआई क्यों आया था, हमें किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए कुछ चाहिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज इन 1948, इसका एस्टैब्लिशमेंट अलग था, और ये जब नेशनलाइज हुआ था, जब वो 1948 में हुआ था, उसके बाद जो हमारी स्कीम आई थी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज एलपीजी। एलपीजी क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो हम पढ़ रहे हैं आज, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज है, ये इन्हीं स्कीम्स की वजह से हुआ था। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वॉज स्टार्टेड। आरबीआई हैज स्टार्टेड ग्रांटिंग अ परमिशन। आरबीआई ने परमिशन किसको दी, सारे जो भी गवर्नमेंट के जितने भी बैंक थे उनका डिसइन्वेस्टमेंट होने लगा, वो किसके हाथ में आने लगे, प्राइवेट सेक्टर के बैंक के हाथ में। पहले बहुत ज्यादा हमें इसमें बहुत ज्यादा लाइसेंस लेना पड़ता था, बैंक में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज थी, तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर और कोई भी फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में इतना इंटरेस्टेड नहीं होती थी वर्क करने, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज थी। लेकिन जब देखा कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम कर सकता है, तो गवर्नमेंट ने सारा काम किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को। अभी भी कुछ काम गवर्नमेंट के पास है, कुछ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के पास है, लेकिन सारी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्क हमारा किसके पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास। क्यों, कि वो हमारा अच्छा काम कर रहा है, इसलिए एलपीजी आया। प्राइवेटाइजेशन का मीन्स यही है कि हमारी जितने भी गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट थे वो किसके पास आ गए, सारे प्राइवेट सेक्टर के पास आ गए। अब हमारे पास न्यू कंपनीज आने लगी, इंडस्ट्रीज ओपन लाने लगी, इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गया, फिर वही साइकिल स्टार्ट हो गई, इनकम बढ़ी, हमारा इकोनॉमिक लेवल बढ़ने गया आफ्टर 1991, ठीक है। दैट इज योर पब्लिक सेक्टर बैंक। एसबीआई एंड एसोसिएट्स बैंक, इट मींस जब हमारे 1 अप्रैल 2017 में जब बैंक मर्ज हुए थे एसबीआई में, वो कौन कौन से थे, ऑन 1 अप्रैल 2017 सम बैंक्स आर मर्ज इन द एसबीआई इन वंच ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देर आर मेनी बैंक्स, सेवन बैंक्स आर देयर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रम, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ये मर्ज हो चुका था 2010 में, और स्टेट बैंक ऑफ सूर्यास्त्र, दिस इज सूर्यास्त्र, ये मर्ज हो चुका था 2008 में।
दिस इज इन्फॉर्मेशन अबाउट द SBI एंड एसोसिएट्स बैंक जो मर्ज हो चुके थे 1 अप्रैल 2017 को. नेक्स्ट वी हैव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेसिडेंसी बैंक. ठीक है, फर्स्ट यू सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान. ये बैंक हमारे 19th सेंचुरी और वी से बैंक ऑफ इन 18th सेंचुरी. नो, इट इज अ रॉन्ग. बैंक एस्टैब्लिश हुए थे जब हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जब ब्रिटिश के लोग आए थे, क्योंकि ब्रिटिश में बैंक पहले से एस्टैब्लिश थे लेकिन इंडिया में नहीं थे. अब उनका क्या एम था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थे, ब्रिटिश लोग हमारे, जिन्होंने आके यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश करी, इतना कुछ अर्न किया, इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ रेलवे स्टार्ट किया. क्यों? अपने फायदे के लिए. हमारा फायदे के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने रेलवे स्टार्ट किया. क्यों? आने जाने के लिए. ठीक है, एक दूसरे से प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे. इन्होंने बैंक एस्टैब्लिश किए ट्रांजेक्शन के लिए. ठीक है, लेकिन पहले हमारे यहाँ क्या होता था, बार्टर सिस्टम. लेकिन इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टैब्लिश इन 1970 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ वी हैव अ प्रेसिडेंसी बैंक. प्रेसिडेंसी बैंक मीन्स जिसका स्टेक, सारा स्टेक और ओवरऑल कंट्रोल किसके पास होता है, हमारे गवर्नमेंट के पास. बैंक ऑफ कैलकटा, बैंक ऑफ कैलकटा था वो एस्टैब्लिश हुआ था 1806 में. इसका रीनेम कर दिया था बैंक ऑफ बंगाल 1809 में. एक हमारे एस्टैब्लिश हुआ था बैंक ऑफ बॉम्बे एस्टैब्लिश इन 1840. एक हमारा हुआ था बैंक ऑफ मद्रास एस्टैब्लिश इन 1843. नाउ वी हैव अ प्राइवेट सेक्टर बैंक. प्राइवेट सेक्टर बैंक मेजोरिटी ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ प्राइवेट इज हेल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल. जैसे हमने पब्लिक में पढ़ा था कि पब्लिक में गवर्नमेंट के पास होती है, इसमें जो सारा ओवर एंड कंट्रोल इस बात होता है प्राइवेट सेक्टर के पास. दीज बैंक आर रजिस्टर्ड एज अ कंपनीज विद लिमिटेड लाइबिलिटी. सारे बैंक किसमें, कौन से एक्ट में, कौन से एक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी. द आरबीआई इशू अ लाइसेंस फॉर द ओपनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक. आरबीआई इनको लाइसेंस देता है इशू करने के लिए. ऐसे कोई भी बैंक ओपन नहीं होता. इनका जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन ओवर एंड कंट्रोल करता है, आरबीआई. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड देयर ब्रांचेस, उनकी ब्रांचेस. द बैंक विद द पेड अप कैपिटल, जिसकी पेड अप कैपिटल मोर देन 5 लाख रुपीज हो. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ फॉरेन कमर्शियल बैंक. ये रजिस्टर्ड किस पे होता है, फॉरेन कंट्री पे. देयर हेडक्वार्टर इज इन फॉरेन कंट्री. उनके जितने भी हेडक्वार्टर्स होते हैं वो फॉरेन कंट्री. दीज बैंक वर सेट अप टू मीट द इंटरनेशनल ट्रेड. जरूरी नहीं है, आज हमारा ट्रेड इतना भर चुका है, हम हमारे इंडिया में ही ट्रेड नहीं करते, हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं, इतना ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं, तो ये क्या है, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है. इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है, हमारा एक फॉरेन कमर्शियल बैंक है. ठीक है, इट वॉज मेड कंपल्सरी फॉर दीज बैंक टू डील इन इंडियन करेंसी. इनके लिए कंपल्सन है कि किसमें डील करेंगे, हमारी इंडियन की करेंसी में. ना ये डॉलर में डील कर सकते हैं, किसी और कंट्री में डील नहीं कर सकते, डॉलर हमारी इंटरनेशनल करेंसी है. ठीक है, दीज बैंक ऑल्सो परफॉर्म अ जनरल बैंकिंग फंक्शन सिमिलर टू इंडियन कमर्शियल बैंक. जो जो काम इंडियन कमर्शियल बैंक करता है ना, हमारे इंडिया रेपो रेट, करंट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, जितने भी सब कुछ होता है सब फॉलो कौन करता है, हमारा फॉरेन कमर्शियल बैंक. हमारे कुछ ऐसे बैंक है, इंडियन बैंक भी है जो फॉरेन में सेटअप है, लेकिन उनका रूल रेगुलेशन कैसे है, इंडिया के अकॉर्डिंग है. लाइक दैट ऑल्सो सेम फॉरेन कमर्शियल बैंक का जितना भी कंट्रोल है वो फॉरेन कंट्रीज के पास है, लेकिन वो हमारे इंडिया में सेटअप हुआ हुआ है. ठीक है, वी हैव अ टू बैंक. वी हैव अ 32 बैंक्स. हाउ मच वी हैव अ 32 बैंक्स फॉरेन कमर्शियल बैंक. वी हैव अ 32. फॉरेन कमर्शियल बैंक, फर्स्ट वी हैव अ सोनाली बैंक, सेकंड वी हैव बैंक ऑफ इंटरनेशनल इंडोनेशिया, थर्ड वी हैव सिटी बैंक एनए, फोर्थ वी हैव बैंक ऑफ ब्रेन एंड कुवैत, फिफ्थ वी हैव बैंक ऑफ सेलोन, सिक्स वी हैव अबू धाबी कमर्शियल बैंक, सेवेंथ वी हैव ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंक. ये सारे बैंक हमें किसके काम आते हैं, हमारे जितने फॉरेन ट्रांजेक्शन है और हमारे जितने भी फॉरेन का ट्रेड है उस सबके ये काम आते हैं. देयर आर 32 बैंक. But I have told you only 7, okay? Next we have on regional rural banks. Where ordinance come into force with immediate effect from 26th
September 1970 and the bank has started working from 2 October 1971. Later on, the Regional Rural Banks Act was passed in 1976. As on 31st March 2017 ka data de rakha hame, there are 56 regional rural bank. They are operating 618 districts of the country with their 21,343 branches. Now NABARD is looking after the working of rural regional rural areas. Kya hua tha beta? Bank ka name hai hamara regional rural bank hai. Kya गांव के लोग लोग नहीं है, बिल्कुल है. वो क्या करते हैं, उनको बैंक का तो पता नहीं कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, एसबीआई क्या है, पीएनबी क्या, उनको कोई नॉलेज हम नहीं है. ठीक है, बहुत डीप नॉलेज उनको बिल्कुल भी नहीं है. वो लोग क्या करते हैं, तो क्या हुआ था हमारे इंडिया में कि उनको नॉलेज नहीं थी, वो लोन लेते थे शौकार से. कौन? हमारे फार्मर्स, हमारे जितने भी लोग थे फार्मिंग वाले, वो किससे लोन देते थे? फार्मर्स से, शौकास से. वो उनको बैंक रेट तो उनको पता नहीं होता था, 6% है, 4% है, 3%, वो कुछ भी नहीं पता होता. वो जितना परसेंट इंटरेस्ट मांगते थे वो दे देते थे. उनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती थी, पर उनका इंटरेस्ट कभी नहीं खत्म होता था. तो ऐसी चीजों में हमारा जो फार्मिंग, जितने भी रीजनल एरियाज, रूरल एरिया, वो पूरे बैकवर्ड हो चुके थे. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फिर एक नीड आई कि कौन आए, एक ऐसा बैंक आए जो उन सब चीजों को देखे. तो अब हमारे इंडिया में एक नबार्ड ऐसा बैंक है, बहुत सारे, लेकिन नबार्ड एक बहुत लुकिंग आफ्टर द वर्किंग ऑफ रीजनल रूरल. अब नबार्ड हमें हेल्प कर रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो रूरल एरियाज में है, फार्मिंग. ठीक है,